आज से DU में दूसरे चरण के लास्ट ईयर की ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा की शुरुआत हो गई है। हालांकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए केवल 20% स्टूडेंट्स ने ही अप्लाई किया, जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए ही इच्छुक थे, यानी कि ऑफलाइन के लिए सिर्फ 20% और ऑनलाइन के लिए बाकी के अन्य स्टूडेंट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दूसरे चरण की ओपन बुक परीक्षा शुरू हो गई है। खास बात यह है कि दूसरे चरण की ये परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित की जा रही है। बस छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प को चुनना था। दूसरे चरण के एग्जाम की बात करें तो कोरोना को देखते हुए 80% छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा को चुना, जबकि कुछ बच्चों ने ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प केवल 20% छात्रों ने ही चुना। SOL के 13,815 स्टूडेंट में से केवल 3,035 छात्रों ने ही ऑफलाइन मोड को चुना, तो वहीं रेगुलर और NCWEB से केवल 285 छात्रों ने फिजिकल एग्जाम को OPT किया। कुल मिलाकर आंकड़े ये साफ बता रहे हैं कि छात्र ऑनलाइन मोड में बड़ी संख्या में परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन परीक्षा को OPT करने वाले स्टूडेंट की संख्या कम ही रही। दूसरे चरण की परीक्षा के लिए लगभग 10,000 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से SOL के तहत 7,000 और रेगुलर के तहत 3,000 छात्रों ने परीक्षा देने के लिए पंजीकरण कराया है। पंजीकरण कराने वाले छात्रों में SOL के 5,000 और रेगुलर के 1,000 छात्र घर से ऑनलाइन परीक्षा देंगे, यानी कि लगभग 4,000 छात्र ऑफलाइन मोड में परीक्षा देंगे। हालांकि फिजिकल एग्जाम देने वाले स्टूडेंट की कम संख्या के चलते कई कॉलेजों की तैयारी भी कम करनी पड़ी, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। मसलन थर्मल स्कैनिंग के बाद ही छात्रों को परीक्षा केंद्र में घुसने दिया जा रहा है। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई छात्र मास्क लगाकर नहीं आया या किसी का मास्क खराब हो गया तो उसके लिए कॉलेज की तरफ से नए मास्क की व्यवस्था की गई है। हर कक्षा में सैनिटाइजर रखा जाएगा, जिसे उपयोग करने के बाद ही छात्र परीक्षा देंगे, और यहां तक कि कॉपी को हाथ लगाने से शिक्षक बचे इसके लिए हर परीक्षा कक्ष में एक बॉक्स रखा जाएगा, जिसमें परीक्षा पूरी करने के बाद छात्र इसमें अपनी कॉपी रखेंगे। और आपको बता दें कि पहले चरण के ओपन बुक एग्जाम के दौरान छात्रों को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और जिसको लेकर छात्रों ने सोशल मीडिया साइट्स पर काफी विरोध किया था। हालांकि दूसरे चरण के OBE के लिए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केंद्र पर जाकर एग्जाम देने का भी विकल्प दिया गया था, और जिसका चुनाव लगभग 20% छात्रों ने किया है। पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।